मोबाइल की चोरी के केस में चालान कर दिया और इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। अच्छा जो चुके हैं रात है चुके हैं जी? रात है 12:15 चुके। कंधा टप गया आगे? नहीं जुगियां जुगियां चुके। जुगियां ने भी चुके? हां जुगियां च चुके। ओदोना दे जी चलो कोई गल नहीं छोड़ देने। अच्छा जो थाने गए पर्चा काट के दे जेल भेज। मारिया कुटिया भी नहीं? नहीं मारिया ही इन्हें जाहिर गल। बहुत मारिया? हां जी मारिया था इन्हें। पैसे भी मंगता? हां जी पैसे ही मंगता। किन्ने मंगता जी? ओना मंगता 40,000 जी। 40,000 खवातीन के लिए बैठने की जगह बनाए, बुजुर्गों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सड़क के ऊपर ना किसी करदा ना करदा गुनाह की सजा भुगतने वाला तो अंदर ना करदा गुनाह की सजा भुगत ही रहा होता है। उसके अलावा किन बाहर रो रहे होते हैं, कुरला रहे होते हैं। जवान साला बच्चा मोबाइल के चोरी के केस में थाना सब्जादार ने चालान कर दिया और इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। घर से उठाया उसने मोबाइल, चोरी किया कि नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम। वाल नहीं की ना जी? कोई चोरी की ना जी? मोहम्मद हुसैन जी। बेटे का की ना है? इमरान। कदों सब्जादार पुलिस ने चुकया? सब्जादार ने चुकया, CI कोतवाली चुकया। कोतवाली चुकया? हां जी। कोतवाली ने तो अपना कोतवाल भरने के लिए ये बीड़ा उठा रखा है कि वो उठा लेते हैं, लेकिन जब वो उठाते हैं पीछे कोई बात होती है। अच्छा जो चुके हैं रात है चुके हैं जी? रात है 12:15 चुके। कंधा टप गया आगे? नहीं जुगियां जुगियां च चुके। जुगियां ने भी जो चुके? हां जुगियां च चुके। ते की कहंदे ओनू? ओदोना दे जी चलो कोई गल नहीं छोड़ देने। अच्छा जदों थाने गए पर्चा काट के जेल भेज दिते। पर्चा कट के जेल भेज? हां। मारिया कुटिया भी नहीं? नहीं मारिया ही इन्हें जाहिर गल। बहुत मारिया? हाँ जी मारिया था इन्हें। तो उन्हें मनी चोरी? नहीं कदों मनी है जी चोरी? चोरी उन्हें कीती नहीं? उन्हें कीती नहीं चोरी। तो फिर किधर मोबाइल पाता और दे? बिला वजह पाया इन्हें। बिला वजह ही मोबाइल पाया? बिला वजह थानदार पाया जी। पैसे भी मांगता उन्हें? हाँ जी पैसे ही मांगते। किन्ने मांगता? पैसे साढ़े कुल दिपे ने गए और चलान कर दे। किन्ने पैसे मंगे उन्हें? पैसे तो बड़े मांगते हैं। फिर भी किन्ने? ਜੋ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ 40,000 ਜੀ। 40,000 ਰੁਪਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਫ ਰਾਜ਼। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਥਾਣਾ CI ਕੋਤਵਾਲੀ ਮੇ ਸ਼ਰਫ ਨਾਮੀ? ਹਾਂ ਸ਼ਰਫ ਰਾਜ਼। ਸ਼ਰਫ ਰਾਜ਼ ਸ਼ਰਫ ਰਾਜ਼? ਹਾਂ ਜੀ ASI ਹੈ ਸ਼ਰਫ ਰਾਜ਼ ASI। 40,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ CI ਕੋਤਵਾਲੀ ਮੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ASI 40,000 ਮੰਗਦਾ ਰਾ ਜੁਗਿਓ ਵਾਲੇ ਸੇ। जुगियों वाले मांग कर सदके सत्कार पर अपनी ज़िंदगी को पूरा करने वाले लोग हैं। वो किस तरह 40,000 रुपया देते, बिल आखिर क्या हुआ? वो उठा के ले गए मार मार के, उन्होंने मज़ीद उसके ऊपर पर्चे डाल दिए होंगे और आज वो ना करदा गुनाह की सजा भुगत रहा है। बेटे ना नाम की है? इमरान। इमरान ना करदा गुनाह की सजा भुगत रहा है। ये उसकी बीवी है, ये छोटा सा उसका बच्चा है। बच्चा कितने? पाँच। पाँच बच्चे? हाँ जी। कोई याद तो करते होंगे वो देखे रो रहा है? नहीं। याद तो करते होंगे अपने बाप को? कोई मसला नहीं, हो जाने फिर की है, बंदे वास्ते ही बनी है फिर की है। लेकिन जाती होगी ना? जाती तो होंगी है ना। फिर कितने पैसे लेने वकील ने? नहीं मैनू नहीं पता। वकील नहीं ले? वकील ने पैसे नहीं ले? नहीं उसने मुफ्त कर दे। मुफ्त? इससे अच्छे तो वकील हैं, वो तरस खा जाते हैं, मुफ्त कर देते हैं। साडा नौजवान फेल हो गई जू? हाँ जी हो गई। कितने दिन तो अंदर है? जुमे आए हुए? जुमे आए? हाँ जी। ते आज हो गई मंगल? हाँ जी मंगल। कोई पुरसाने हाल नहीं। थाना कल्चर इतना ज़्यादा बेहानक कल्चर बन चुका हुआ है, जब ये अपनी आई के ऊपर आए तो इमरान खान भी इनकी इज्जत से नहीं बचता तो हमारी क्या औकात है? ये तो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं। इंसाफ की बालादस्ती, कानून का आम होना और फिर उसके ऊपर अमल होना, फिर उसके ऊपर पाबंद करना शहरियों को, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। क्या रियासत अपना किरदार अदा कर रही है? क्या नौ मुंतखब हुकूमतें अपना किरदार अदा कर रही हैं? क्या आने वाला वक्त आपके बच्चों को महफूज कर सकेगा? क्या हालातों वाक़यात आपको किसी और जानिब जाते हुए नज़र नहीं आ रहे? क्या ये गरीब लोग अपने बच्चों का तहफ़ करने के काबिल हैं? क्या इनको कोई सर्च वारंट या इनको अरेस्ट वारंट दिखाया गया? और अगर इनको दिखाया भी गया तो क्या ये पढ़े लिखे हैं? सरफराज ASI तुम्हारी भी एक कब्र है, अल्लाह ने तुम्हारी भी मिट्टी चुन रखी है, उसी मिट्टी के अंदर तुमने दसना है और पहली तीन सतहों ने तुम्हें कीड़ों मकोड़ों की तरह खा जाना है।
और तुमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाने हैं, उन सवालात में एक इस बुजुर्ग आदमी के बेटे का भी सवाल होगा, किस मुंह से जवाब दोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।